आज हम अपने प्रिय विद्यार्थियों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में विशेष करके रिएक्शन पर चर्चा करेंगे। तो उसमें रिएक्शन हम लोगों को जो कंपाउंड है हमारे सिलेबस में, जैसे ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मल्डिहाइड है, फार्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है, ये हमारा एस्टरडिहाइड है, एसीटोन है, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड, करीब 10-12 कंपाउंड या करीब 15 कंपाउंड के आसपास हमारे सिलेबस में 12 क्लास में है, इन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग क्लोरोफॉर्म पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जो हैलोएल्केन और हैलोएरीन चैप्टर से संबंधित है। तो क्लोरोफॉर्म जो है ये हमारा हैलोएल्केन है, ये CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, इसी पर आज हमारी चर्चा होगी। तो क्लोरोफॉर्म हैलोएल्केन है, तो क्लोरोफॉर्म पर चर्चा करने से पूर्व सर्वप्रथम है हैलोएल्केन पर थोड़ा सा चर्चा कर ले कि हैलोएल्केन किसे कहते हैं। ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, जैसे हमारा RH हाइड्रोकार्बन है, अब हाइड्रोकार्बन जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सबका पेरेंट होता है, तो हाइड्रोकार्बन में से इसमें से जो है एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए और यच निकाल दिया जाए तो ये हमारा RX हो जाएगा इस तरीके से, और RX को हम हैलोएल्केन कहते हैं, हैलोएल्केन कहते हैं। अगर R के स्थान पर ये हमारा रिंग हो जाएगा और यहाँ X लग जाएगा तो हम इसको हैलोएरीन कहेंगे, हैलोएरीन। अब हम इसके हैलोएल्केन के क्लासिफिकेशन, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को हम बाद में अध्ययन करेंगे। आज हम एक विशेष कंपाउंड पर चर्चा करेंगे, क्लोरोफॉर्म। तो आइए क्लोरोफॉर्म पर चर्चा करते हैं। तो हम ये क्लोरोफॉर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं, इसके जो है खोजकर्ता है, इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम लीबिग था। 1831 यानी 1831 में लीबिग ने इसकी खोज की थी। और इसके जो गुण है, खास करके इसका जो निश्चेतक गुण है, इसको सूंघने से बेहोश हो जाता है आदमी, तो इसके निश्चेतक गुणों की जो खोज है वो सिंपसन द्वारा 1848 यानी 1848 में किया गया था। और इस शब्द का प्रयोग जो है डूमस ने किया था। अब इसको प्रयोगशाला में हमें बनाना है। प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, तो बनाने की प्रयोगशाला विधि, बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये हो गया। हम इसको एसीटोन से बनाते हैं और एथिल कोहल से बनाते हैं। तो सर्वप्रथम हम एसीटोन से देखते हैं। अब इसमें जो है CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर हमारा है, H2O से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। फिर हम एसीटोन लेंगे CH3COCH3, फिर हम आपका Cl2 से हाफ क्रिया कराएंगे तो यहां से जो है ये तीन हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ तीन ले लिया जाए 3Cl2, तो ये हो जाएगा CCl3COCH3 हो जाएगा, प्लस 3HCl हो गया। फिर यहां से आपका दो मालिक्यूल ले लिया जाए CCl3COCH3COCH3, यहां से कैल्सियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करा दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा दो मालिक्यूल CHCl3 प्लस कैल्सियम एसीटेट CH3COCH3 का होल ट्वाइस इंटू CA हो जाएगा। इसका नाम है कैल्सियम एसीटेट, कैल्सियम एसीटेट है हमारा, ये हमारा क्लोरोफॉर्म बन गया, क्लोरोफॉर्म। तो ये प्रयोगशाला विधि है। पुनः एक बार, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है और जब वाटर से रिएक्शंस करता है तो ये चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और फिर ये एसीटोन क्लोरीन से अभिक्रिया करके ट्राई क्लोरो एसीटोन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। फिर इसके दो मालिक्यूल लेकर के जब इसे बुझे चूने से या चूने के पानी से के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्लोरोफॉर्म बनता है और कैल्शियम एसीटेट निकलता है। अब हम इसमें जो है फिगर बना करके इसकी विधि की चर्चा कर लेते हैं, फिगर बना करके इसकी विधि की चर्चा करते हैं। तो आइए फिगर बना करके इसकी विधि की, ऐसे हम इसमें गोल पेदी का फ्लास्क बना लेंगे इस तरीके से, और नीचे से इसको गर्म करने का एक सिस्टम लगा देंगे ऐसे इस प्रकार से, और यहाँ इसको वाटर बाथ या सैंड बाथ पर ऐसे रख देंगे। फिर इसमें जो है हम आपका एसीटोन CH3COCH3, ये आपका जो है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और H2O है, और ये आपका एसीटोन हो जाएगा और क्लोरीन, तो वहां से हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा एसीटोन और ये आपका हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर
और ये हमारा हो गया H2O। ये तीनों चीजों का मिश्रण लेकर के जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से हमारा इस प्रकार से इस नली से निकलेगा। यहाँ ऐसे ये नली हो गई हमारी, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे, और ये हमारा ग्राही फ्लास्क हो गया, रिसीवर हो गया, ये हमारा जो है ये हमारा जो है कंडेंसर हो गया। अब हम इसमें जो है इसको जब नीचे से गर्म करेंगे, ये हमारा एसी टोन हो गया, ये हमारा हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ये जल हो गया। जब इसको नीचे से गर्म करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ क्लोरोफॉर्म बनेगा और ये कंडेंसर से होता हुआ यहाँ आ जाएगा रिसीवर में। अब इसके विधि की अगर हम चर्चा करें, इसकी विधि कैसे होती है, अब विधि में जो है इसमें गोल्फेदी का फ्लास्क लेते हैं तो हम इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि में गोल्फेदी का फ्लास्क लेते हैं। इसमें एसीटोन, ब्लीचिंग पाउडर और जल का मिश्रण रख करके इसको नीचे से धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात आपस में अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के पश्चात क्लोरोफॉर्म बनता है। इस क्लोरोफॉर्म को संघनित्र कंडेंसर के माध्यम से ग्राही फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं। ये हमारी विधि है। अब हमें इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणों पर चर्चा करनी है। अब हम इसके भौतिक गुण की चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्लोरोफॉर्म जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये शुद्ध जो क्लोरोफॉर्म होता है ये रंगहीन तथा ईथर जैसी मीठी गंध वाला वाष्पशील द्रव होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, वो 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है। यह जल से भारी होता है और उसमें आबिलीय होता है। इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.485 होता है। अपेक्षित घनत्व 1.485 होता है, ये इसका अपेक्षित घनत्व होता है। इसकी जो वाष्प होती है क्लोरोफॉर्म की, इसको सूंघने पर अस्थायी रूप से मूर्छा जाती है। क्लोरोफॉर्म के इसी गुण के कारण इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है किसी भी कंपाउंड का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होता है केमिकल प्रॉपर्टी। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण गुण है ऑक्सीकरण, पहले इस पर चर्चा करते हैं। ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीडेशन क्या है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म CaCl3 ऑक्सीजन ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ लाइट सनलाइट रहेगा, प्रकाश की उपस्थिति में ये दो मालिकूल CoCl2 बनेगा और दो मालिकूल HCl बनेगा, इस प्रकार से बन गया। अब इसमें जो हम देख रहे हैं रिएक्शन इसका, इसमें ये देखिए कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही विषैला कंपाउंड बनाता है जिसको हम फाजीन कहते हैं। ये फाजीन इतना विषैला होता है कि इसको सूंघ लेने के बाद जीवन बचा पाना संभव नहीं है। तो अब ये ऑक्सीकरण में घटना होती है। इसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं। जैसे जो है क्लोरोफॉर्म जो है ये इसका ऑक्सीकरण ना हो, इसको रोकने के लिए इसे गहरे नीले या भूरे रंग की कांच की बोतल में ऊपर तक भर कर रखा जाता है। इसमें 1% एथिल अल्कोहल मिला देने से भी क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण की गति रुक जाती है। क्लोरोफॉर्म में 1% एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे ये क्लोरोफॉर्म हमारा है तो इसको नीले बोतल में रखते हैं, नीले गहरे बोतल में, चूंकि उसमें प्रकाश ना पहुंच पाए, पूरी भरी हुई बोतल में रखते हैं, उसमें ऑक्सीजन ना एंट्री कर पाए। चूंकि हम जान रहे हैं रिएक्शन देख करके कि अगर लाइट पहुंच गया और ऑक्सीजन भी उसमें एंट्री कर गया तो इसके साथ रिएक्शन करके फाजीन बना लिया, तो इस फाजीन ना बनने पाए इस नाते क्लोरोफॉर्म को इस सावधानी के साथ रखा जाता है, गहरे नीले बोतल में रखा जाता है और पूरी भरी हुई बोतल में रखा जाता है ताकि उसमें प्रकाश ना पहुंच पाए और ऑक्सीजन भी ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी मानते हैं, बहुत सावधानी दिखाने के बाद भी यदि हमारा उसे प्रकाश पहुंच गया या ऑक्सीजन पहुंच गया तो फाजीन बन जाएगा। अब अगर फाजीन बन गया तो उसमें एथिल अल्कोहल मिला करके रखा जाता है। इस प्रकार एथिल अल्कोहल ये C2H5OH हो गया, ये C2H5OH हो गया। अब ऐसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जो हमारा फाजीन है ये COCl2 ये इससे रिएक्शन करता है, ये ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है और रिएक्शन करके जो है ये हमारा बना लेता है, ये देखिए 2HCl बन गया और ये डाइएथिल कार्बोनेट बन गया। इस प्रकार से C2H5 का होल ट्वाइस और CO3 ये हमारा हो गया डाइएथिल कार्बोनेट।
डाई एथिल कार्बोनेट यह विषैला पदार्थ नहीं है, इसके बनने से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद हम इसके अगले रिएक्शन की चर्चा करते हैं। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्षारीय क्षारकीय जलघटन। इसमें क्या होता है, ये हमारा क्लोरोफार्म है, CHCl3, ये हमारा क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म में एक ही कार्बन से तीनों क्लोरीन परमाणु जुड़े होते हैं। यह भी चीज या इसी रिएक्शन में सिद्ध होता है। अब हम इसके क्षारीय जो है KOH के साथ अभिक्रिया करेंगे, इसमें क्षारीय KOH के साथ जो है हम अल्कोहलिक KOH के साथ इसको गर्म करेंगे, तो अब ये हमारा हो जाएगा KOH, चाहे तीन मॉलिक्यूल लें चाहे इस प्रकार इसको गर्म कर दें, तो ये हमारा 3KCl यहां से निकल जाता है, 3KCl निकल गया और ये हमारा एक इंटरमीडिएट अस्थाई कंपाउंड बन गया, OH, इस तरीके से। इसको हम यहां ले लेंगे HCOH। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से हमारा H2O निकल जाएगा, ऐसे H2O निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा, H2O निकल गया और HCOOH हमारा बन गया, ये फार्मिक एसिड बन गया। अब पुनः हम फार्मिक एसिड का KOH से अभिक्रिया कराएं, KOH से अभिक्रिया कराएंगे तो ये H2O पुनः निकल जाएगा, ये गर्म करेंगे तो H2O निकल जाएगा और ये हमारा HCOOH, ये हमारा पोटेशियम फार्मेट बन गया, ये बन गया पोटेशियम फार्मेट, ये हमारा बन गया। अगर हम इसको एक ही स्टेप में लिखें तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं CH और Cl3, ऐसे CHCl3 और KOH यहां लिया गया तीन बार, यहां तो +4 मॉलिक्यूल KOH, जब इसके साथ हम गर्म करेंगे तो यहां 3 मॉलिक्यूल KCl निकला है तो 3KCl हो गया, एक बार यहां एक बार दो बार वाटर निकला है तो 2H2O हो गया और यहां जो है ये हमारा लास्ट में HCOOH बना है, पोटेशियम फार्मेट इस प्रकार बन गया। और ये सब क्रिया से सिद्ध होता है कि कार्बन से तीनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है। अब हम इसके अगले रिएक्शन की चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है हम एक महत्वपूर्ण रिएक्शन रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया करा दे, तो रजत चूर्ण के साथ अभिक्रिया ये हमारा हो गया। अब इसमें जो है ये हमारा क्लोरोफार्म है और ये रजत है, चांदी है, ये CHCl3, इसके साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमारा 6AgCl निकल जाएगा, 6AgCl निकल गया और हमारा बन जाएगा C2H2, इसको हम बोलते हैं एसीटिलीन, ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होगा हमारा वो नाइट्रीकरण होगा। अब हम इसके बाद नाइट्रीकरण पर चर्चा करते हैं। नाइट्रीकरण हमारा, तो ये हमारा CHCl3 है और जब नाइट्रीकरण कराएंगे तो HONO2, यहाँ इसमें O जोड़ देंगे तो HNO3 हो जाएगा और इसमें हम नाइट्रीकरण ले करके और जब इसके साथ गर्म करते हैं तो हमारा यहाँ से वाटर निकल जाता है, इस प्रकार से ये वाटर निकल गया और ये हमारा बन गया CCl3NO2, इसका नाम है CCl3Cl क्लोरोपिक्रीन, ये हमारा है क्लोरोपिक्रीन। अब ये कीटनाशक है, यह कीटनाशक है, इसका जो प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था, यह एक विषैला कीटनाशक है CCl3NO2 ट्राइक्लोरो, ये आपका नाइट्रो है, क्लोरोफिक्रीन के नाम से ये आपका जाना जाता है, या नाइट्रोक्लोरोफार्म भी इसको कहते हैं, नाइट्रोक्लोरोफार्म भी इसे कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा रिएक्शन है वो एसीटोन के साथ अभिक्रिया है, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, ये हमारा है एसीटोन के साथ अभिक्रिया, तो हम इस प्रकार से अभिक्रिया कराते हैं CH3COCH3 और ये हमारा CHCl3 है, क्लोरोफार्म है। जब इसको हम क्षार के साथ गर्म करेंगे तो इस प्रकार से हमारा ये कंपाउंड बनेगा, ये CH3CH3 हो गया और यहाँ OH लग जाएगा, ऐसे OH लग गया और यहाँ CCl3 हो गया, इसका नाम है क्लोरीटोन, ये नींद लाने की दवाओं में लाया जाता है, नींद लाने की दवाई से कह सकते हैं,
ये भी जो है एक महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ है। अब इसके बाद जो है इसमें दो विशेष करके महत्वपूर्ण रिएक्शंस बचे हुए हैं। एक को हम उसको नेम रिएक्शंस हैं, एक का नाम है कार्बिलेमीन अभिक्रिया और एक का नाम है राइमल्टीमेल अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम कार्बिलेमीन अभिक्रिया पर चर्चा कर लेते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ये कार्बिलेमीन अभिक्रिया है। कार्बिलेमीन अभिक्रिया ये हमारा है कार्बिलेमीन अभिक्रिया ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये एनिलीन है, ये हमारा एनिलीन है, ये क्लोरोफार्म है और ये तीन मालिक्यूल KOH है। जब इसके साथ हम गर्म करेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से 3KCl निकल जाएगा, 3H2O हो गया और ये हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ये हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड, इसको बोलते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। और ऐसे ही कार्बिलेमीन अभिक्रिया के बाद एक राइमर टीमैन अभिक्रिया है, राइमर टीमान अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम फिनाल लेते हैं और CHCl3 से अभिक्रिया कराते हैं 3KOH से। तो इसमें भी उसी प्रकार होता है, ये आपका 3KCl निकल जाता है और यहाँ जो है 2H2 निकलता है और यहाँ सैलिसाइलडिहाइड बन जाता है। ऐसे ये आपका OH हो गया और यहाँ आपका CHO हो गया, इसका नाम है सैलिसाइलडिहाइड, सैलिसाइलडिहाइड ये हमारा वाला है, बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है। तो जितने क्लोरोफार्म के विशेष रासायनिक गुण थे वो इस प्रकार से हैं। अब हम इसके उपयोग पर चर्चा करते हैं। हम लोग जो है क्लोरोफार्म के उपयोग पर चर्चा करने जा रहे हैं। भाई किसी भी कंपाउंड की तीन ही चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक तो उसे बनाया कैसे जाता है, उसका प्रिपरेशन महत्वपूर्ण होता है, ये सबसे हो गया इम्पोर्टेंट। दूसरा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी चीज जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो महत्वपूर्ण रिएक्शन होते हैं इसके नाते इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा उसका उपयोग होता है, तो हम लोग इसको भी पढ़ चुके, इसको भी अब इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो है इसका पहला उपयोग है, ये शल्य चिकित्सा में यानी ऑपरेशन में ये जो है निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक का मतलब इसको थोड़ा सा सुंघा दिया जाता था, तो सुंघाने के बाद पेशेंट हमारा बेहोश हो जाता था और जब बेहोश हो जाता था तो उसका ऑपरेशन करने के पश्चात उसकी नींद टूट जाती थी। लेकिन क्या हुआ, कई बार ऐसी घटनाएं घटित हुई कि कुछ पेशेंट को जो है क्लोरोफार्म सुंघाया गया लेकिन वो कभी भी उठ करके नहीं बैठे। तो वहां क्या हुआ कि ये क्लोरोफार्म जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में जो है फाजीन नामक विषैला गैस बना लिया। इसको इससे बचने के लिए इसमें एथिल कोहल मिलाया जाता है जो ऋणात्मक उत्तर, इसके पहले हम अभिक्रिया समझा चुके हैं। यानी इसका महत्वपूर्ण उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ये पहला उपयोग हुआ। दूसरा क्लोरोफार्म में उत्तम विलायक है, ये उत्तम विलायक है, यह जो है बहुत सारी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, यह उच्च कोटि का विलायक है। इसकी सहायता से हम बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ बनाते हैं, जैसे हमने क्लोरीटोन बनाया जो नींद लाने की दवा है, हमने इसकी सहायता से क्लोरोपिक्रिन बनाया, क्लोरोपिक्रिन बनाया, हमने इसकी सहायता से पोटेशियम फार्मेट बनाया, हमने इसकी सहायता से एसिटिलीन बनाया। तो बहुत सारे रासायनिक पदार्थ इसकी सहायता से बनाए जा रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। और दूसरी चीज जो है यह प्राथमिक एमीन के आइसोसाइनाइड परीक्षण में प्रयुक्त होता है, इस प्रकार से यह सब इसके उपयोग है। लेकिन किसी भी कंपाउंड का शुद्ध उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब वह कंपाउंड अपने प्योर कंडीशन में हो, शुद्ध हो। अब इसकी शुद्धता का परीक्षण करने के लिए हम एक विशेष जो है रासायनिक पदार्थ को लेते हैं। तो अब हम उपयोग के बाद इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाता है, क्योंकि जब कोई रासायनिक पदार्थ शुद्ध होगा शुद्धता का परीक्षण, ये शुद्धता का परीक्षण हो गया। कैसे हम इसके शुद्धता का परीक्षण करेंगे, हम क्या करेंगे, ये बर्तन है, इस बर्तन में क्लोरोफार्म रखे हैं, इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। अब अगर सिल्वर नाइट्रेट विलयन डालने पर क्लोरोफार्म में जब सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, अब अगर सफेद अवक्षेप आ गया, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, व्हाइट PPT आ गया,
सफेद अवक्षेप आ गया तो दिया गया क्लोरोफॉर्म जो है वो अशुद्ध हो गया, अशुद्ध है, इम्प्योर है, अशुद्ध हो गया। और अगर इसमें कोई सफेद अवक्षेप नहीं आया सिल्वर नाइट्रेट मिलेन डालने पर तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। और जब हम जान जाएंगे कि हमारा दिया गया क्लोरोफॉर्म शुद्ध है तभी हम उसका प्रयोग किसी मेडिकल में या किसी भी विभाग में कर सकेंगे जहां हमें उसकी आवश्यकता होगी। और अगर अशुद्ध है तो हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये विशेष जरूरी है कि हम क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करने के पहले उसकी शुद्धता का परीक्षण कर लें। आशा करता हूं कि ये कंपाउंड हमारे प्रिय विद्यार्थियों को समझ में आया होगा और फिर नेक्स्ट कंपाउंड लेकर के हम उपस्थित होंगे। और एक बात और बता दें कि अब ये जो है इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग जो है इस समय ये रिएक्शन केमिकल जो है चेन शुरू किए हैं, केमिकल चेन शुरू किए हैं, यानी रासायनिक जो है अभिक्रियाओं का एक श्रृंखला शुरू किए हैं। करीब 250 रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगे इस प्रकार से, वो हमें कंठस्थ करने होंगे और हम एक एक कंपाउंड ऐसे पढ़ाएंगे और उसमें जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे जो यूपी बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं उसको हम लोग अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लेकर के जरूर बताएं, फिर हम अगला कंपाउंड लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।